चुरा मेरे मज्ज पम्मट कण वर मणि सिखा पदंग समाधियामी चुरा मेरे मज्ज पम्मट कण वर मणि सिखा पदंग पता है कि महिला स्पेशल्स है तो आई वुड तो टू रिक्वेस्ट सभी आ, मेल पर तो नमो बुद्धाय जय भीम नमो बुद्धाय जय भीम मैडम जय संविधान मैं डॉक्टर श्रद्धा सनमडीकर सांगली से बोल रही हूँ जी मैं ब्रजवाला

मैं फरीदाबाद से हूँ मैं भी इस सागर संस्था से जुड़ी हुई थी से जो बाबा साहब के विचारधारा को आगे लोगों तक पहुंचाती है गांव-गांव में जाके है। जी मेरे ना दस महीने से जुड़े हुए हैं। जी जी, जी, जी। तो आप रोज जुड़िएगा जब महिला विशेष दिन होता है होती है उनके बाजू में बैठ कर सब मीटिंग सुनते हैं ये, ये पुराने पुराने हैं ये तो जुड़े हुए काफी जुड़े हुए हैं संघ से मेरे भी काफी पुराने जुड़े है। है। हुए डेली मीटिंग अटेंड करती हूँ जी मैडम वेलकम वेलकम है और कौन से समाज का नहीं होती है हेलो नमो उदाय जी आप सभी को हमारा संघ बना हुआ है चंदोषी से बोल रही हूँ मैं से ओके हाँ जी चंदौसी संबल यूपी जी तो हमारे मीटिंग भी करते हैं हम लोग अपने समर्थन के बारे में सब लोगों को जानकारी देते हैं अपने आसपास की महिलाओं के बारे में सुषमा बहन जी है पुष्पा बोध हैं जो बहुत सालों से इस काम को कर भी रही थी इंग्लिश में भी करेंगी कुछ महिला है एक महिला और एक है अपनी हिंदी में बोलेंगी तो टाइम तो, तो हो चुका है अंबल के लिए बुला लेते हैं having solemnly resolved to constitution india into our sovereign i am Arnav Ankhare and i study in fifth class uh, today i am go i will be going to present the preamble to the constitution we the people of india have सभी yeah. को जय भीम नमो बुधाए नमो बुधाए जय भीम बच्चों अच्छा लग रहा है बच्चों को देखकर वो भी इतना इंटरेस्टिंग देख आ, मेरा ना अभी एम बी बी एस में सिलेक्शन को को और मैं एक अध्यापक हूँ पिछले बीस वर्षों से मैं शिक्षण के कार्य से जुड़ी हूँ बोलिए बोलिए अभी बोलिए अभी okay. ग्रुप से जुड़ना चाहती हूँ हाँ हाँ मोस्ट वेलकम अपना नंबर चैट बॉक्स में डालिए आप कहाँ से हैं मैडम हिसार से हिसार से मैम ओ कितना हिसार से हाँ और आई एम बी क्या करते हैं मैम इंट्रोडक्शन पूरा दीजिए मैम बी को क्वालिफाइड हूँ मैं मैम तो नेक्स्ट कॉल करिए ओके थैंक जुड़ी डियो ओके okay, ये बी द पीपल में आपका स्वागत है आज मैं वन खड़े okay. महाराष्ट्र अमरावती से बात कर रही हूँ मैं एक तो, टीचर हूँ जी मैम और आपका कार्यक्रम सुनती रहती हूँ और दूसरी बार ने? जुड़ी हूँ आज एक्सक्यूज मी मैम ये आपका हम सबका है <laughs> हम सबका है ये ये आपका भी है इसीलिए आपको जोड़ा गया है वी द पीपल से वी माने हम सब हम सभी लोगों का okay, है okay. और काफी दिन से मैं तो जुड़ा हुआ हूँ लेकिन अच्छा 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 ठीक ठीक धन्यवाद इंट्रोडक्शन दीजिए मैम वेलकम वी द पुष्पा बोट जी मैम hey, टाटा So उस पार, उस पार जी आप करेंगे, चंदा लेता है न कोई रसीद काटता है संघ का कोई नेता नहीं होता संघ कोई राजनीति नहीं करता अगर कोई राजनीति में जाना चाहता है तो जा सकता है लेकिन संघ नहीं जाता संघ में कोई प्रधान मुखिया भी नहीं होता संघ में सभी सम्मान होते हैं कोई छोटा बड़ा नहीं होता सब बराबर बैठते हैं ज्यादा काम करने वाले को स्पोक्स पना देते हैं, सभी निर्णय आपसी मीटिंग व राय करके लिए जाते हैं जो सभी सदस्यों को मान्य होते हैं बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि तुम संगठन बनाओ बाबा साहब ने संघ में रहने के लिए कहा था ऑर्गेनाइज के होने के लिए कहा था न कि संगठन बनाने के लिए और हम लोगों ने लाखों संगठन बनाकर अपने आप को टुकड़ों में बांट लिया इससे नुकसान यह हुआ कि एक एक करके हमारे अधिकार जाते जा रहे हैं नौकरियां जा रही है निजीकरण होता जा रहा है कोई भी संगठन आवाज नहीं उठा रहा है इसलिए आने वाली पीढ़ी फिर से गुलामी की तरफ चली जाएगी अभी भी समय है हमारे समर्ण भाई बहनों आपस में इकट्ठे हो जाओ संघ में आ जाओ अपने बच्चों व आने वाली पीढ़ियों को बचाने का एकमात्र यही समाधान है हमें आपस में कैसे जोड़ना है पहले परिवार में रिश्तेदारों में पड़ोसी को गली मोहल्लों को गांव को चैन से चैन को जोड़ना है ताकि कोई संकट आए तो सभी संघी इकट्ठे हो जाएं सहायता के लिए संघ में रहने के लिए हमें जानवर से भी सीख लेनी चाहिए जैसे जंगलों में भैंसों का झुंड या जानवरों का झुंड एक साथ रहते तो शेर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अकेले भैंस का शिकार आसानी से कर सकता है झुंड में रहने से नहीं संग में रहने से नहीं वैसे ही चीटियां भी एक साथ रहती हैं। तो कोई भी मनुष्य भी उनसे दूर रहकर चलता है कि कहीं काट ना ले इसलिए संग में रहना जरूरी है ऐसे ही मधुमुखियां भी एक साथ रहती हैं उन्हें पत्थर कोई मारता है तो एक साथ संघ में होकर शत्रु पर हमला कर देती हैं इसलिए हमें भी संघ में रहना बहुत जरूरी है ताकि हम सभी अपने अधिकारों को बचा सके जैसे वैसे ही चार पांच भाई जब परिवार में एक साथ इकट्ठे रहते हैं तो कोई भी कुछ उनका नहीं बिगाड़ सकता जैसे पहले सब परिवार इकट्ठे रहते थे उसी प्रकार हमें भी इकट्ठे होने की जरूरत है अगर हम इकट्ठे नहीं हुए तो पिटते रहेंगे प्रताड़ित होते रहेंगे अत्याचार होते रहेंगे इसलिए हमें एकजुट होना है बाबा साहब ने कहा था कि इस कारमा को बड़े संघर्ष के बाद मैं यहां तक लेके आया हूं इसे आगे नहीं बढ़ाओ तो पीछे भी नहीं जाने देना लेकिन हम लोगों ने सत्तर बहत्तर सालों में कुछ नहीं किया अभी भी समय है बाबा साहब के द्वारा बताए गए एक मंत्र ऑर्गेनाइज होने के लिए संघ में आने के लिए इकट्ठे होने के लिए जुड़ने के लिए जोड़ने के लिए जीतने के लिए हमें इकट्ठा होने होना ही पड़ेगा इकट्ठा होने का गुण हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है हम में एक अबोध बच्चा भी जब रो रहा होता है तो उसकी माँ आवाज लगा देती है तो वो गोदी में ले लेती है गोदी में ले लेने के बाद बच्चा चुप हो जाता है उसको वहां पर सहायता मिल जाती है कि मैं मेरी माँ की बोधि में सुरक्षित हूं इसी प्रकार हम हम बुद्धिजीवी यह क्यों नहीं समझते कि हम संघ में आए इकट्ठे हो एकजुट आके हम संविधान को बचाएंगे और हमें संविधान बचाएगा इसलिए हम जितना जल्दी जुड़ेंगे तो जीतेंगे हमें जिद है जुड़ने की जोड़ने की और जीतने की जुड़ेंगे जीतेंगे जिद है जुड़ने की जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे जो जुड़ेंगे वे ही जीतेंगे जय भीम नमो बुद्धाय आ रही जय भीम नमो बुद्धा लाभ जलगाव महाराष्ट्र से हूँ सभी साथियों को मैं सप्रेम जय भीम कहती हूँ हमारा समान संघ सब सबका है जो समन संघ में पैदा हुए उनका समन संघ है जुड़ेंगे जीतेंगे जीत है जुड़ने की तो हम सब एक होके जुड़ेंगे जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे ये सबने ए, अपने मन में रखना चाहिए और जुड़ना जोड़ने का काम करना चाहिए जो जुड़ेंगे वो ही जीतेंगे जुड़ो और जीतो ये जो अपना नारा है ये सबने अपनाना है और सबने उस, उसका पालन करना है भगवान बुद्ध ने कि पहले लैंगिक समानता दी थी भगवान बुद्ध ने तो हम अजंता की गुफाओं को देखते हैं हर क्षेत्र में महिला को वो दर्शाया गया है कि पूरे देश में और और महाराष्ट्र में भी बहुत सारे समाज सुधारक बने आजादी के बाद समाज पे धर्मांतर का प्रसार होने लगा उन्होंने स्वतंत्रता किया सबसे आगे महात्मा ज्योति फुले शाहू महाराज थे और बाबा साहब ने तो अपने को अपन को पूरे अधिकार दिए है घटना में तो जो अभी अभी बहन जी ने बुलाया कि अस्प बुलाते हैं कि अछूत बुलाते हैं कि ये 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 शब्द अच्छा नहीं लगता अभी तो नहीं लगता वंचित वगैरह वगैरह ठीक है लेकिन अपन तो सब समा संघ में आते हैं तो ये शब्द छोड़ देना चाहिए उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर बहुत जोर दिया है अंबेडकर डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने मैंने महिलाओं को संविधान के प्रति अधिकार की पुष्टि पूछ, की और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने महिलाओं के लिए न्याय के अधिकार के लिए हिंदू बिल भी दिया है और हिंदू बिल तो इतना बापरे बहुत ही उनको तकलीफ हुई जब हिंदू कोड भी बनाया उनको विरोध भी किया और बहुत सारा विरोध सहना पड़ा उनको युग युग निर्माण किया उन्होंने और सब ये महिलाओं जो जनजाति की हो या कोई भी सब आधा परसेंट जो महिलाएं हैं आधी लोक संख्या जो महिलाओं की है सबको हिंदू को बिल के रूप में बाबा साहब ने अधिकार दिए न्याय दिए और अभी स्वतंत्र महिला अपने अपने हक पे अभी हु, होके, अ, बड़े बड़े पद पे गई है तो जब बाबा साहब ने नागपुर में 1942 में दलित सम्मेलन लिया था महिलाओं का तब डॉक्टर बाबा साहब ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि किसी समाज की प्रगति से जो किसी समाज की प्रगति जब आ, मापी जाती जा सकती है कित को तो वो समाज में महिला कितनी पढ़ी लिखी है तब बाबा साहब ने ये क्यों बोला है कि जब महिला इकट्ठा होकर पढ़ी में कोई ऐसा नहीं है समझने वाली बात है सिर्फ हमने जुड़ना है और जोड़ना है जुड़ना है पहले खुद जुड़ो और जो जोड़ जोड़ना जो है अपने जो आसपास के लोग हैं आपके अपने साथी हैं पास पड़ोसी हैं रिश्ते नातेदार हैं हमें उनको विदा पीपल का कॉन्सेप्ट समझाना है और उनको विदा पीपल से जोड़ना है तो उसके लिए हम सबको थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी लेकिन ये नहीं है कि हम इसमें सफल नहीं है क्योंकि हमारा जो ये विदा पीपल का जो कॉन्सेप्ट है ये मीटिंग है पांच मई से शुरू की गई थी अब लगभग दस महीने हो चुके हैं और संख्या बढ़ते हुए आज की डेट में चार सौ चार सौ पांच सौ के आसपास पहुंच जाती है तो इसका विदा पीपल का जो कॉन्सेप्ट है लोगों की समझ में आ रहा है हमें निरंतर प्रयास करना होगा ऐसे ही हमें लोगों को समझाना होगा कि विदा पीपल क्या चाहता है और क्या करना चाहता है हमें जुड़कर जोड़ना है जुड़ना है और जो हमारे समाज की जो बहुत सारी जो रूढ़िवादिता है या बहुत सारी जो समाज में फैली बुराइयां हैं उन सबसे अपने लोगों को अवगत कराना है वो तभी होगा जब हम सब लोग किसी एक अम्ब्रेला का नीचे आके आ, सारी बुराइयों से लड़ने के लिए एकत्र होंगे वो तभी कामयाब हो सकते हैं जब हम संगठित हो जाएंगे क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो संघर्ष करो और संगठित रहो तो हम लोगों ने शिक्षित तो हमारे समाज बाबा साहब की दिए हुए आरक्षण की वजह से हम शिक्षित तो हो गए सब लोग पढ़ लिए खूब लिख लिए और अच्छे अच्छे पोस्ट पे लग गए अच्छे अच्छे हायर एजुकेशन लेने के लिए विदेशों तक पहुंच गए शिक्षित हो गए लेकिन हम बाबा साहब ने और भी दो नारे बोले थे कि <coughs> शिक्षित बनो और संघर्ष करो और संगठित रहो लेकिन हम शिक्षित होने के बाद हम लोगों ने संगठित की जब बात आती है तो संगठित होने के लिए बाबा साहब ने कहा था कि इकट्ठे हो जाओ एक साथ रहो मिलके रहो मिलकर रहोगे तभी हमारी एक ताकत बनी रहेगी नहीं तो अलग अलग रहेंगे तो कोई भी हमें अलग अलग पकड़ के मार सकता है जैसा कि आज के टाइम पर हो रहा है आप बहुत सारी न्यूज पढ़ते होंगे अखबारों में जी आज यूपी के किसी कोने में हमारे बच्चे को मार दिया या हमारे एमपी एम पी के किसी कोने में या हरियाणा के किसी कोने में क्यों okay. क्योंकि हम लोग इकट्ठे नहीं है एक अमरेला के नीचे नहीं है हम लोग इकट्ठे नहीं हो इसलिए हम लोगों का ये लोग फायदा उठा रहे तो बाबा साहब ने कहा था संगठित रहो संगठित होने के लिए कहा था लेकिन हमारे लोगों ने क्या किया संगठित होने के नाम पर बहुत सारे संगठन बना डाले आज की डेट में बहुत सारे संगठन है शायद उनतालीस लाख के आसपास संगठन है और कुछ एक्टिव हैं जो इस समय काम कर रहे हैं लेकिन बाबा साहब ने ये नहीं कहा था बाबा साहब का कहना था कि शिक्षित बनने के बाद आप सब लोग इकट्ठे रहना ताकि आगे आने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम बाबा साहब दूरदर्शी थे बाबा साहब को मालूम था कि मेरे समाज के साथ आने वाले टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है इसलिए उन्होंने ये बोला था कि तुम सब लोग इकट्ठे रहोगे तो जो मैं अधिकार देके इस वक्त जा रहा हूँ या मैं संविधान के थ्रू आप सबको जो अधिकार लिख के जा रहा हूँ उन सबको बचा के रखने के लिए आप सबको एस सी एस टी ओबीसी पचासी परसेंट को इकट्ठा हो होकर रहना जो, रहना पड़ेगा हम वो तभी लोग आप लोग अपने जो अधिकार हैं उनको बचा पाओगे लेकिन हमारा समाज ने क्या किया अलग अलग संगठन बनाए और अलग अलग बिखर गए अब एक संगठन में सौ लोग हैं एक संगठन में पांच सौ लोग हैं एक संगठन में हजार लोग हैं लेकिन अलग अलग संगठन बनाने के बावजूद भी जो हमारा जो हमें मिलना चाहिए था जो हमारे समाज को उन्नति की तरफ ले जाने का जो कार्य करना चाहिए था वो अलग अलग संगठनों में रहते हुए नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से बाबा साहब को बाबा साहब को मालूम था कि ये लोग जो बमन समाज है ये नहीं मानेगा मेरे लिखने के बावजूद भी देश में संविधान लागू होने के बावजूद भी ये वमन समाज नहीं मानेगा मेरे समर्ण समाज को ये किसी ना किसी रूप से आ, परेशान करेगा या मेरे लिखे हुए आर्टिकल को भी ये समय रहते चेंज कर सकता है जो कि आज की डेट में हो रहा है और हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कब हमारे किस अधिकार को बदल दिया गया है या उसकी धाराएं बदल दी जाती है हमारा समाज खा पी कर सोच जाता है और सुबह उठता है तो अखबारों में पढ़ता है और अपने अपने काम पे चला जाता है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि जो आज जो हमारा समाज है वो आरक्षण की वजह से बहुत सारे अधिकार उसे मिले और उसकी वजह से आज वो स्टैंड है और अपने बच्चों को हायर एजुकेशन इस टाइम तक तो दे पा रहा है अगर अभी भी मौका है अगर हम लोग अभी भी संगठित नहीं हुए तो हम आने वाले टाइम पर अपने जो बच्चे हैं आने वाला जो हमारे बच्चों का फ्यूचर है हम लोग अपने ही हाथों से अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं खराब ही नहीं मैं कहती हूं कि खत्म कर रहे हैं क्योंकि इकट्ठे नहीं है अलग अलग दिशाओं में लड़ोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है यूनिटी होनी बेहद जरूरी है वो आप समाज शास्त्र मैंने पढ़ी थी तो समाज शास्त्र में यही बताया गया था कि उसमें कई तरह के समाज समाज होता है जैसे जानवरों का एनिमल्स का जानवरों का समाज होता है जैसे पुरुषों का मानव समाज होता है वैसे जानवरों का समाज होता है पक्षियों का समाज होता है और जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके उनका भी समाज होता है तो समाज शास्त्र में यह सब चीजें बताई गई थी कि अगर झुंड में रहते हैं तो हम वो झुंड जो इकट्ठा रहता है वो एक अपने आप को अपने जो उसका जो दायरा होता है वो अपने उस दायरे को एक निशान लगा करके वो घोषित करके रखते हैं कि ये इतना एरिया हमारा है इसमें कोई आ नहीं सकता और उसी वजह से वो लोग अपने आप को बचा के रखते हैं लेकिन हम मान वो जानवर हो के वो चींटी कीड़े मकोड़े होके अपने आप वो उस चीज को समझते हैं लेकिन मानव समाज क्या कर रहा है मानव समाज पढ़ा लिखा होने के बाद बावजूद बुद्धिजीवी होने के बावजूद बहुत और अच्छी एजुकेशन लेने के बावजूद भी क्या कर रहा है अलग अलग दिशाओं में दौड़ रहा है एक पूरब दिशा को जाता है एक जा पश्चिम दिशा को जा रहा है अरे हम अब पढ़ा लिखा समाज होने के बावजूद हमें ये सोचना चाहिए था कि भाई हम यूनिटी बना के रहेंगे तो हम पर कोई भी उंगली नहीं उठा पाएगा हमारे जो अधिकार धीरे धीरे खत्म कर किए जा रहे हैं वो इसी चीज का फायदा उठाकर कर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है ये समाज जो है इकट्ठा नहीं है इसको बहुत आसानी से बहलाया फुसलाया जा सकता है जैसे बाबा साहब ने अः जब बाबा साहब ने संविधान लिखा था तो उसमें हमें एक बहुत बड़ा अधिकार बाबा साहब अपने हमें दे के गए थे बहुत, बहुत देने का अधिकार तो हमारा समाज जो भोला सम भोला भाला समाज मैं मानती हूँ क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी चीजों में औरों के बहकाए में आ जाता है आज आज यूपी में इलेक्शन था तो लेकिन यूपी की क्यों जो कंडीशन है जो हमारे समाज की जो कंडीशन है वो क्यों चौपट होती जा रही है क्योंकि हमारा समाज अपनी वोट की ताकत को नहीं समझ रहा है बाबा साहब इतनी मेहनत करके अपने घर परिवार को छोड़ के अपने चार चार बच्चों का बलिदान देने के बावजूद हम लोगों को हम हम क्या उस टाइम पर पैदा भी नहीं हुए थे लेकिन वो हमारे फ्यूचर के लिए और हमारी आने वाली पीढ़ी के फ्यूचर के लिए अपने चार चार बच्चों का बलिदान दे देते हैं लेकिन हम लोग उस चीज को समझ ही नहीं रहे अपनी वो 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 वोट की ताकत तुम्हें देके इसलिए गए थे कि तुम्हार की समण समाज राजा बन के रह सके क्योंकि हमारे पूर्वज राजा थे बाबा साहब ने तो हिस्ट्री आ, बिल्कुल आ, जड़ से पढ़ी हुई थी बहुत गहराई से पढ़ी हुई थी उन्हें मालूम था कि हमारा जो पूर्वज था वो राजा महाराजाओं का था तो वो जो बीच का जो पीरियड आया उसमें सब गुलामी की कंडीशन रही और बहुत नरक जिंदगी रही तो बाबा साहब ने इसी वजह से हमें वोट का अधिकार हमें देके गए ताकि हमारा आने वाला जो आ, हमारे बच्चे होंगे या हमारे बच्चों का आने वाली जो पीढ़ी होगी वो राजा बन के रहे इसीलिए उन्होंने हमें वोट की ताकत का अधिकार दिया था लेकिन हमारे लोग क्या करें ज्ञान के बस की सौ रुपए में अपनी वोट बेच देते हैं पांच सौ रुपए में वोट बेच के चले आते हैं अरे भाई बाबा साहब जो थे तुम्हें राजा बनाने के लिए देके गए थे अपनी इस ताकत को समझो बाबा साहब के बलिदान को समझो उन्होंने कैसे सूखी रोटियां खा खा के हमारे लिए संविधान लिख के गए थे वो हमें एक जीवन नया जीवन दान दे के गए थे हम लोग तो जानवर कीड़े मकोड़े से बदतर जिंदगी जी रहा था इंसान जो समर समाज जो था लेकिन आ, संगठन अलग अलग तरह के संगठन बना के सैकड़ों संगठन बना के अलग अलग अपनी जो ताकत थी जो हमारे पूर्वज थे वो बहुत वीर और बलशाली थे लेकिन अलग अलग संगठनों में बटने के बावजूद की वजह से हमारी जो ताकत थी वो खत्म हो, हो गई छिन बिन भिन्न हो गई है और अलग अलग दिशाओं में हम दौड़े जा रहे हैं दौड़े जा रहे हैं लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है हम अलग अलग दिशाओं में कार्य कर रहे हैं लेकिन आउटपुट क्या है जीरो है और वो जीरो इसीलिए है क्योंकि हम संगठित नहीं है कब समझेगा हमारा समाज इकट्ठे हो जाओ भाई दस महीने से विदा पीपल डेली चिल्ला रहा भाई इकट्ठे हो जाओ इकट्ठे हो जाओ कब इकट्ठे हो गए कब नींद तुम्हारी टूटेगी ऐसी कौन सी मदरा पी के सो गए ऐसा कौन सी भांग के सो गयो कि समाज जगने का नाम ही नहीं ले रहा लेकिन कोशिश करते रहने से ही शायद जाग जाए हमारा जो हम लोग विदा पीपल के कॉन्सेप्ट को तो अच्छी तरह समझ चुके हैं उन सबका कर्तव्य बनता है उन सबका जिम्मेदारी बनती है कि आगे सोने वाले लोगों को हम जगाएं कि भाई उठो कितना सोओगे अब तो बहुत सालों बहुत सालों से सा सो लिए अब तो उठ जाओ एक जगह इकट्ठे हो जाओ और अपनी जो हमारे आ, आने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनके फ्यूचर के लिए उनके अधिकार बाबा साहब की संविधान से मिले अधिकारों को बचाने के लिए अब तो इकट्ठे हो जाओ और बाबा साहब ने तीसरा जो हमें आ, बोला था कि शिक्षित बनो संगठित रहो और संघर्ष करो बाबा साहब को मालूम था कि ये लोग संविधान की धाराओं को बदलेंगे हम मेरे लिखे हुए अधिकारों को बदलेंगे इसलिए उन्होंने कहा था संगठित तो रहोगे तो तुम मिलजुल मिलकर आगे संघर्ष भी पा कर पाओगे संघर्ष सभी कर पाए, अकेला इंसान कभी भी कहते नहीं बाढ़ नहीं झोंक सकता तो वो वही है कि अगर हम इकट्ठे होंगे तभी हम लोग किसी से लड़ सकते हैं अपने अधिकारों को बचा सकते हैं लड़ने का मेरा मतलब ये नहीं है कि युद्ध तीर तलवार चलानी है हमने इकट्ठा होकर के एक साथ खड़े होंगे यूनिटी बनी होगी तो लोग अकेले इंसान को कोई भी घेर करके कहीं पर भी मार सकता है लेकिन जहां दस लोग खड़े होंगे बीस लोग खड़े होंगे या हजार लोग खड़े होंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि भाई इस झुंड में आकर के हाथ डाल के इसको इसको मारा जाए या इसको पकड़ा जाए जैसा कि सुधीर जी हमेशा बोलते हैं मक्खियों का एक उदाहरण जो देते हैं वो मुझे बड़ा सटीक लगता है हमारे समाज पर कि वो यूनिटी में रहते हैं और उनके छत्ते में कोई हाथ नहीं डाल डाल सकता अगर किसी ने हाथ डाला तो उस उस इंसान को वो बुरी तरह काट डालती है तो वही अगर हम इकट्ठे होंगे तो हम हमारा समाज भी वही सब कर सकता है अपने अधिकारों को बचाने के लिए हम अगर किसी कोई हमारे अधिकारों पर हल्ला बोलेगा या हमला करेगा तो हम लोग भी उल्टा उसको यूनिटी में होंगे तभी हम लोग जवाब दे पाएंगे अलग अलग दिशाओं में खड़े होके एक ने दिल्ली के सादरे की साइड में चार बंदे खड़े होके चिल्ला लिए एक यूपी में चिल्ला लिए दस हरियाणा में चिल्ला लिए उससे कुछ नहीं होने वाला है सब लोग इकट्ठे हो जाओ इकट्ठे होके बोलोगे तो हम अपना अधिकारों को बचा पाएंगे और <coughs> <coughs> अधिकार ऐसे नहीं मिल गए थे हम हमें समझना होगा बाबा साहब ने अपना बलिदान हमारे लिए दे और हमारे जो पूर्वज थे जो हमारे महापुरुष थे मैं उनमें थोड़ी सी बात माता सावित्री बाई की भी करना चाहूंगी क्योंकि आज आज महिलाओं का आ, आ, दिन है आज महिलाओं की मीटिंग है हमारी जो 10 और 20 और 30 तारीख को होती है तो मैं थोड़ी सी बात माता सावित्री बाई फूले के बारे में भी करना चाहूंगी क्योंकि सभी बहनों को नहीं मालूम है कि सावित्री बाई फूले कौन थी क्या था और उन्होंने हमारे लिए क्या किया था ये आज जो हम महिलाएं इस इस तरह से बैठ करके जूम मीटिंग जो हम कर पा रही हैं या हमारे जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं जो अच्छी जॉब भी कर रही है या जो जॉब नहीं कर नहीं भी कर रही हैं हाउस वाइफ है बेशक और अपने घर परिवार को अच्छे से चला रही हैं अपना बजट देख के घर परिवार को देख रही हैं वो पढ़ी लिखी जो हमें जो एजुकेशन के जो हक अधिकार मिले वो हमें सावित्री बाई फूले की वजह से मिले थे लेकिन हमें बहुत सारी जगह पर और स्कूलों में भी आज भी वही चीज बहुत सारी जगह पर बताई जाती है कि शिक्षा की देवी जो है वो कौन है वो सरस्वती देवी है उसको बचपन से बच स्कूल में बताया जाता है कि शिक्षा की देवी सरस्वती देवी है लेकिन <coughs> जो हकीकत है वो इन लोगों वमन समाज ने क्या किया जो हमारे महापुरुष महापुरुष थे उनके जो उनका जो कार्य था जो उन्होंने समाज को जागृत करने का काम किया जो उन्होंने उसको ऊपर उठाने का जो काम किया उस सबको इन्होंने दबा दिया और उसकी जगह ये चार हाथ आठ हाथ या दस हाथ वाली बना बना के बैठा दी और हमारे जो महापुरुष थे महापुरुष थे उनके बलिदान जो थे उनको आ, दबा दिया गया तो उसी में हमारी थी माता सावित्री बाई फुले जिनकी वजह से आज हम सभी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं एजुकेटेड हैं और अपने घर परिवार को अच्छे अच्छे ला रही है और उसके साथ साथ जितना भी समय मिलता है वो समाज में भी समाज को जागृत करने का भी काम कर रही हैं और बाबा साहब की जो विचार विचारधारा थी उसको घर घर पहुंचाने का भी काम कर रही हैं तो ये सब हम माता सावित्री भाई फूले की वजह से कर पा रहे हैं क्योंकि हाँ अगर वो स्कूल अगर वो महिलाओं के लिए काम नहीं करती वो पहला स्कूल पुणे में नहीं खोलती और उन वहां से शिक्षित शिक्षक शिक्षा महिलाओं के लिए नहीं शुरू करती तो आज हम महिलाएं पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं होती क्योंकि क्योंकि जो वो वीणा वाली जो भी है वो सरस्वती देवी अगर वो वो तो पहले से ही थी अगर वो वाकई शिक्षा की देवी थी तो जो हमारे जो पूर्वज थे वो महिलाएं हमारे दादियां नानियां वो अनपढ़ क्यों थी वो इसीलिए अन पढ़ती क्योंकि वो मिट्टी की मूर्तियां स्टेचू कुछ नहीं सॉरी बहुत सारे लोग इन चीजों को मानते हैं मैं माफी चाहूंगी लेकिन यहाँ ये बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि उनकी तुलना हमारी माता सात भाई फूले से ये लोग कर देते हैं या उनके जो विचारों को बिल्कुल दबा देते हैं जिनकी वजह से सभी मा बहने हमारी आज अच्छी अच्छी जॉब पर है और मैं चाहती मैं यही चाहूंगी की सभी बहने इस चीज को समझे कि किसी ईट पत्थर देवी देवता ने या जो भी है उन, उनकी वजह से नहीं मिला है है माता फुले के बलिदान से मिला उन्होंने अपना सारा जीवन हमारे समाज को दे दिया था समाज की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए दे दिया था और उन्हीं की वजह से आज हम पढ़े लिखे हैं माता सावित्री बाई फूले के बारे में हम बहुत सारी चीजें अलग अलग पढ़ते हैं लेकिन माता सावित्रीबाई फुले के बारे में हमारी महिलाओं को जरूर पता होना चाहिए उन्हें उनके जीवन उनकी जीवनी जरूर पढ़नी चाहिए कि उन्होंने हमें क्या दिया था अगर हम फील्ड में कहीं जाकर किसी से पूछ लें कि हमारे देश की पहली शिक्षिका कौन थी या पहली देश की टीचर कौन थी तो मैं कहती हूँ नाइन्टी परसेंट एट्टी परसेंट तो महिलाओं को मालूम ही नहीं है कि देश की पहली टीचर कौन थी क्योंकि हमारे जो इतिहास को पढ़ाया नहीं गया है हमारे इतिहास को दबा दिया गया हमारे हमारे महापुरुषों ने का जो इतिहास हो उसको पूरी तरह से इन्होंने दबा के रखा हुआ वो पढ़ाना ही नहीं चाहते क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे हम जानेंगे तो हम सवाल करेंगे और ये लोग चाहते ही नहीं है कि हम लोग सवाल करें या हम पढ़े लिखे हों तो इन सब के जो जानकारी हम महिलाओं को भी होनी चाहिए हमारे पुरुष समाज को भी होनी होनी चाहिए और उन्हीं की वजह से आज हम पढ़े लिखे हैं आज हम अपनी बेटियों को बहनों को अच्छी शिक्षा देने के लिए पूरी तरह मेहनत कर रहे हैं लेकिन आज की आज तक तो हम कर रहे हैं लेकिन हमारा जो आने वाला फ्यूचर है हमारे बच्चों का जो आने वाले जो छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं उनके फ्यूचर पर खतरा मंडरा रहा है अगर हम अभी भी एक साथ नहीं जुड़े एक साथ खड़े नहीं हुए एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं आए तो हम अपने सारे अधिकारों को खो देंगे बाबा साहब ने जो हमें मौलिक अधिकार दिए थे वो सब हमारे खत्म हो जाएंगे तो उन सबको बचाने के लिए हमें इकट्ठा होना बेहद जरूरी है और मिल करके हमें संघर्ष करना जरूरी है और वो संघर्ष हम जब भी कर सकते हैं जब हम एक अम्ब्रेला के नीचे होंगे और एक अम्ब्रेला हमें बहुत अच्छा सा मिला हुआ है विदा पीपल यानी कि हम भारत के लोग भारत हम बाबा साहब तो ये कुछ और भी लिख लेंगे हम भारत के लोग यानी सारे सब सभी, सभी लोग हमें वी बनना है ना कि आई बनना है आई की जो आई जो है उसको छोड़ दो और वी में कन्वर्ट हो जाओ सब लोग वी बन जाओ और वी बनेंगे तो एक ताकत बनेगी और ताकत बनेगी तो हम लोग कोई भी अधिकार हम बचा सकते हैं अपने बच्चों का फ्यूचर बचा सकते हैं और जब जब हम लोगों ने मेहनत करी है, जब जब हम लोग इकट्ठे हुए हैं तब तक हम लोग तब तक हम लोगों ने अपने अधिकार बचाए हैं जैसा कि दो अप्रैल का हम हमेशा यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं क्योंकि वो एक ऐसा का, हुआ ही ऐसा था ना कोई नेता था उसमें ना को, इसका कोई कोई इसका लीडर था कहां से हवा चली कहां से बात उठी और पूरे देश में एक ही दिन में आ, पूरा देश जाम कर दिया गया था और अपने एक अधिकार को हमने बचा लिया था तो उसी तरह से हम लोगों को इकट्ठा होना है और अपने अधिकारों को बचाना है तो सभी साथियों से मैं यही कहूंगी कि जुड़े और ज्यादा से ज्यादा जोड़ें और वो अपने अधिकारों को बचाना है जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं और जितने जुड़ेंगे उतनी जल्दी हम लोग जीत जाएंगे तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा जुड़े और विदा पीपल के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएं और अपने घर से सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करें बहुत सारे साथी यहाँ पर हमारे होते हैं उनकी बहने नहीं होती इनकी वाइफ नहीं होती इनके बच्चे नहीं होते हैं वो सिर्फ अकेले आते हैं पता नहीं अपना फेस दिखाते हैं क्या है जो भी है आ, पर उन सबको कम से कम महिलाओं की मीटिंग में महिलाओं को जरूर जोड़ना चाहिए अपने बच्चों को भी जरूर बैठा देना चाहिए और महिलाएं आधी आबादी है देश की तो आधी आबादी को भी हमें जोड़कर लेके चलना ही पड़ेगा तभी हम जल्दी से जल्दी कामयाब हो पाएंगे ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को भी जोड़े और आप सभी जुड़े इकट्ठे हो जाए यही हमारी ताकत है यही हमारी यूनिटी है और यही हमारा आने वाले बच्चों का फ्यूचर है तभी हम लोग बचा पाएंगे अः बस मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करती हूँ सभी को जय भीम नमो बुद्धाय आप सबने मुझे सुना उसके लिए सत्य मुझे बोलना है सुंदर जी। आ, अभी अभी बुलाएंगे बहन जी आपको दस मिनट रुके आप हाँ। ओके ओके बोलिए खूब बोलिए जितने बोल सकते हैं उतने बोलिए ये पोर्टल रात के एक बजे दो बजे तीन बजे चौबीस घंटे के लिए है पूरे महीने पूरे साल नौ महीने तो हो गए हैं और मुझे लगता है कि ये जब तक इंटरनेट रहेगा तब तक ये चलता रहेगा इसलिए बेफिक्र रहे, रहे जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक ये पोर्टल बंद नहीं होगा खूब बोलें बोलने की प्रैक्टिस करें अगर बोलेंगे नहीं तो बचेंगे नहीं जो बोल सकते हैं जो मन में आज है वो बोलें खूब प्रैक्टिस करें और फिर प्रैक्टिस करें अपने मोहल्ले में अपने रिश्तेदारों के साथ अपने दोस्तों के साथ जो बोलेंगे वो बचेंगे जो चुप रहेंगे वो मारे जाएंगे इसलिए बोलने की शुरुआत घर से करें अपने इस पोर्टल से करें क्योंकि शेर के बच्चे और जो छोटे छोटे शेरनी और शेर होते हैं वो बच्चे पहले आपस में लड़ते हैं वही प्रैक्टिस करते हैं फिर वो जाते हैं मैदान में बड़े बड़े शिकारों को मार लाते हैं कोई प्रैक्टिस नहीं कराएगा आपको चारों तरफ नेता बैठे हुए हैं बस वन साइडेड रहता है कि वो अपनी सुनाएंगे और आप के चले आइए ताली बजा के यहां खूब प्रैक्टिस करिए ये है ही मंच इसलिए ये सभी का मंच है समर समाज का मंच है 22 मई 2019 एक हमारी होनहार बेटी पायल तणवी डॉक्टर पायल तणवी उसको सुसाइड के लिए मजबूर किया गया तीन महिला डॉक्टरों ने कास्ट के ऊपर क्योंकि वो शेड्यूल ट्राइब थी पहली अपनी पूरे एरिया में डॉक्टर बन रही थी अपने ट्राइब्स में और उसको डॉक्टर नहीं बनने दिया उसको इतना प्रताड़ित किया कि उसको खत्म कर दिया सुसाइड हो गई बाद में फिर सत्तर दिन बाद उन तीनों लड़कियों की जमानत भी हो गई क्योंकि कंप्लेंट पे कोई गया नहीं हाई कोर्ट से और उस दिन हाई कोर्ट को वहां कोई परस्यू करने वाला था नहीं और उसकी जमानत भी होगी यह आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी अभी यहां जब पोर्टल स्टार्ट हुआ महिलाओं का तो महिलाओं की एक खुशखबरी आई कि मानसी नाम की हमारी जो बेटी है उसने एमबीबीएस में एडमिशन लिया है और सभी ने बधाई दी बधाई देनी चाहिए अच्छी बात है क्योंकि वैकेंसियां बहुत कम रह गई हैं और डॉक्टर हमारे नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि अब पेड वैकेंसी हो रही है और जो पायल तड़वी को मारा गया उससे भी सबक लेना चाहिए क्योंकि जो हमारे बच्चे मेडिकल में जा रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि वो मारे क्यों जा रहे हैं या एक नया बैटल एक नया लड़ाई जिंदगी की कैसे स्टार्ट होने वाली है कैसे वहां जाति के लिए वहां झगड़ा होता है और जो शुल्कास्ट लोग एस सी लोग या ओबीसी लोग या समण लोग जाते हैं तो जो और लोग हैं जो समण नहीं है उनके पेट में क्यों दर्द होता है ये बहाना है जो वो ये कहते हैं कि रिजर्वेशन से आए हैं आज के समय आप खुल के कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक वीक सेक्शन का जो रिजर्वेशन है उसमें जीरो नंबर आने के बाद भी या जिनके टेस्ट में जीरो नंबर आते हैं उनके बच्चे भी पैसे दे के एडमिशन ले लेते हैं और आज की डेट में जो समण समाज के लोग हैं एस सी एस टी ओबीसी उनकी हाई मेरिट जा रही है मगर उनको एडमिशन नहीं है मगर फिर भी प्रताड़ना है क्योंकि मार्क्स की नहीं है प्रताड़ना आरक्षण की नहीं है क्योंकि आरक्षण तो सभी ले रहे हैं आज के समय क्या बम और क्या समण सभी ले रहे हैं जो प्रताड़ना है वो इस बात की है कि हम इस देश के असली मालिक हैं और ये पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं और ये आगे बढ़ रहे हैं पायल तड़वी नहीं मारी जाती मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया है कि हमारे बच्चे जब मेडिकल में इंजीनियरिंग में या एम में जाएं क्योंकि वो पढ़ने में इतने ज्यादा मशगूल रहते हैं कि उनको ये पता नहीं होता कि कास्ट सिस्टम क्या है आरक्षण क्या है और कैसे किसी के सवाल का जवाब देना है उनके माँ बाप उनको बताते भी नहीं है क्योंकि वो पढ़ाई में रहते हैं और कई बार माँ बाप छुपा भी जाते हैं कि आप आरक्षण से हो या सुल कास्ट हो या सुल ड्राइव हो या ओबीसी हो या रिजर्व कैटेगरी से हो और उनका चुप से सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और सर्टिफिकेट बनवा के उनको लगा देते हैं एडमिशन हो जाता है और जब वो एडमिशन लेने कॉलेज में जाते हैं तब उन्हें पहली बार पता चलता है कि वो तो रिजर्व कैटेगरी से हैं बाबा साहब के बच्चे हैं शेड्यूल कास्ट हैं तो वहाँ उनको एक साथ ही आसमान उनके सर पर गिरता है क्योंकि बच्चे भी अपनी क्लास में ये नहीं जानते हैं कि वो शेड्यूल कास्ट से आए हैं या रिजर्व से आए हैं तो वो भी रिजर्व और शेड्यूल कास्ट की बहुत ज़्यादा बुराई करते हैं बाकी लोगों के साथ में ये टेंडेंसी महानगरों में बहुत ज़्यादा है इसलिए उस वीडियो को जरूर दिखाना मानसी बेटा को कि पायल तड़वी नहीं मारी जाती अगर वो ये जान लेती या ये वीडियो देख लेती काम आएगा और सभी बच्चों को एडमिशन के दौरान वो देखनी चाहिए जो महिलाओं का आज यहां दिन है और महिलाओं का दिन तीन दिन सेट है तो महिलाएं तीन दिन लेकर खुश हैं वो अपने चौथे दिन के लिए कोई संघर्ष नहीं कर रही हैं और अपने चौथे दिन की कोई डिमांड भी नहीं कर रही हैं जो दे दिया उनके लिए बहुत है आगे उनको कोई डिमांड नहीं है कोई उनकी तरफ से डिमांड नहीं आती कि हमारा दिन बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए या हमारा यह टाइम होना चाहिए या यह काम होना चाहिए या वैसा होना चाहिए इसलिए है क्योंकि हम गुलाम इसलिए हैं जो हम समण लोग हैं जो मर्द गुलाम है वो इसलिए हैं क्योंकि हमारी औरतें गुलाम हैं अगर हमारी औरतों को गुलामी में आनंद ना आ रहा होता और हमारी औरतें गुलाम ना होती तो हम बहुत तेजी से आजादी हासिल कर लेते हैं हम बहुत तेजी से अपने सारे अधिकार हासिल कर लेते हैं मगर हमारी औरतें गुलामी को पूरी तरह से एंजॉय कर रही हैं पूरा इसका आनंद ले रही हैं ठीक वैसे जैसे रस्सी पड़ी हुई गाय या भैंस या बैल या बकरी या ऊंट वो आनंद लेते हैं चारा खाते रहते हैं और अपनी स्थिति से संतुष्ट रहते हैं बाबा साहब ने जो धम्म दिया है अगर उस धम्म को ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ना चाहिए सबको क्योंकि बाबा साहब ने दिया है तो कोई बात रही होगी उस धम में कहीं दूर दूर तक भी ऐसा जिक्र नहीं है कि महिलाएं गुलाम है दूर दूर तक मुझे एक कहानी नहीं मिली उसके अंदर एक सूत्र नहीं मिला एक स्टेंज नहीं मिला जिसमें ये जो आज के समय जो परंपराएं चलती हैं जो आज के समय बंधन चलते हैं या जो आज के समय महिलाएं गुलाम होके बड़ी हंसी से खुली खुशी से घूमती रहती हैं जो ये हजारों प्रकार के बंधन और हजारों प्रकार के संघार के साथ में डूबी रहती हैं ऐसी कोई वहां चर्चा नहीं मिली ना ही वहां कोई परंपरा मिली ना ही कोई तीज ना ही कोई त्योहार ना ही कोई व्रत ये कमाल की बात है कि बुद्ध और बुद्ध से पहले और बुद्ध के किसी साहित्य में ये चीज है ही नहीं तो ये तो तय है कि महिलाएं उस समय आजाद थी महिलाएं गुलाम बाद में बनी है और महिलाओं को गुलाम जब बनाया गया तो सबसे पहले काल्पनिक कहानियां लिखी गई हैं उन तक उनके कानों तक काल्पनिक कहानियां सुनाई गई हैं और वो काल्पनिक कहानियों में एक भय पैदा किया गया एक डर पैदा किया गया है और एक लालच पैदा किया गया है कि अगर ये वाली कहानी है तो इसमें इस औरत को बहुत ज्यादा कुछ मिला और ये वाली कहानी है तो उसका पति जीवित रहा ये वाली कहानी है तो उसके पति की लंबी आयु रही ये वाली कहानी है तो उसमें उसके बच्चों की आयु लंबी रही ये वाली कहानी है तो इसमें बहुत ज्यादा लाभ हुआ ये सारी कहानियां पहले बनाई गई फिर सुनाई गई फिर इनकी लीला हुई लीला का मतलब है पाली में हाव भाव यानी कि नाटक और मंचन हुआ तो लीलाएं हुई पहले तो टीवी था नहीं पहले सनीमा तो था नहीं तो पहले नाटक मंडली हुआ करती थी नाटक मंचन होते थे तो ये ये हर प्रकार की लीलाओं के नाटक मंचन हुए और ये दिमाग में डाली गई शुरू में महिलाएं गुलाम नहीं थी मगर उन कहानियों को दिखा दिखा के दिखा दिखा के फिर उनको प्रेरित किया गया और फिर वो कहानियों में ढलती चली गई और कहानियों में ढलती चली गई और वो उन काल्पनिक किताबों की कहानियों को सच मानते हुए उन्होंने अपने ऊपर रजाई की तरह ओढ़ लिया और आज तक नहीं छोड़ा और इससे पहले कि बाबा साहब उनको छोड़ने की प्रेरित करते और बाबा साहब इसमें कामयाब भी हो गए फिर दोबारा से कहानियां स्टार्ट हो गई इस बार जो कहानियां आई वो पिक्चरों में आई और जिस बार जो कहानी आई वो टीवी सीरियल में आई वही कहानियां दोबारा से बनारसी साड़ी साड़ी में लपेट के वही कहानियां बहुत महंगे महंगे असेट्स बना के बहुत महंगे महंगे सेट बना के ज्वेलरी महंगी महंगी दिखा के महंगे महंगे श्रृंगार और महंगी महंगी बातें दिखा के फिर टीवी में और फिर मैगजीन जो आती हैं जो पत्रिकाएं आती है उसमें और फिर उसके बाद जो पिक्चर आती हैं उसमें और सीरियल तो हमारी महिलाएं इतनी बुरी तरह से देखती हैं जिसका कोई जवाब नहीं यानी अब आधुनिक लीलाएं चल रही हैं जो पुरानी लीलाएं वो बाबा साहब की वजह से खत्म हो गई समझ में आ गया कि ये सब आडम्बर है मगर दूसरा चल गया मामला और सारी महिलाएं टीवी में मैगजीन में और पिक्चरों में इन्वॉल्व हो गई और कंपटीशन हो रहा है इसकी साड़ी मेरी साड़ी से महंगी कैसे इसकी साड़ी इसकी इसकी कार मेरी कार से छोटी कैसे इसकी ये वाली ज्वेलरी ये कैसे इसने इस फंक्शन में ये पहना इसने उस फंक्शन में ये पहना इसने ये व्रत किया इसने ये तीज किया जो रीति रिवाज कहीं दूर दूर तक सपनों में नहीं थे वो टीवी ने और मैगजीन ने और पिक्चरों ने घर घर में भर दिए और उसमें हमारी सारी महिलाओं को दोबारा से लपेट दिया महिलाएं आजाद नहीं हो पाई और महिला अपनी आजादी को चाहती भी नहीं है वो अपनी गुलामी एंजॉय कर रही हैं उनको गुलामी एंजॉय करने में बहुत मजा आ रहा है उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि उनकी गुलामी के चलते चलते उनके बच्चे गुलाम हो गए उनके सारे अधिकार चले गए सब खत्म हो गया सिर्फ इस गुलामी की वजह से जिसका वो आनंद ले रही है बुद्ध के समय या बुद्ध के बाद या सुख के समय या चार सौ साल पहले तक भी कहीं कोई ऐसे गुलामी के चिन्ह नहीं मिलते कहीं नहीं मिलता साहित्य में कि कोई शादी बुद्ध ने कराई हो या भिक्खु ने कराई हो या किसी शादी में कोई फेरे पड़े हो या कुछ कुछ ऐसा हुआ हो या शादी के बाद लड़की घर छोड़ के जाती हो कहीं कोई उदाहरण नहीं है घर बसाना है चाहे वो लड़की का है या लड़के का है जहां भी है वो बसा लेते थे कहीं कोई रिवाज नहीं है जो प्रधान होता था यानी कि माता प्रधान मात प्रधान हमारी संखति होती थी संस्कृति होती थी कल्चर होती थी उसमें माता घर के अंदर प्रधान होती थी उस माता प्रधान कल्चर को भी बदल दिया और पिता पृत सप्तमक फादर वाली जो टेंडेंसी है जिसमें फादर प्रधान होता है जिसको दो पैसे की अकल नहीं होती कि घर कैसे चलेगा वो बाहर का काम करेगा या घर चलाएगा औरतों के झगड़े में उसको डाल दिया औरत बच्चे अपना चलाते रहे माता माँ बेटी जो भी है माँ बेटे जो भी है वो अपना घर चलाते रहे माता चलाए करती थी बाहर के काम आदमी करता था और ऐसा उल्टा खेल करा रहा ऐसा उल्टा खेल करा कि आदमी को उसमें फंसा दिया और मानसिक रूप से वो भी ऐसा ही हो गया तो सारी की सारी महिलाओं को ये पता नहीं है इसको कौन बताएगा कि आप ऐसी नहीं थी इसको कौन बताएगा कि हम प्राचीन समय में बुद्ध के समय में मानसिक रूप से गुलाम नहीं थे इसे कौन बताएगा कि हम ये सास श्रृंगार और बरावट और इसमें जो हम अपना टाइम खराब करते हैं या इन परंपराओं में जो टाइम खराब करते हैं जो हमारी है ही नहीं ये हमारी नहीं थी इसको बताने के लिए महिलाओं को आगे आना पड़ेगा क्योंकि तो महिलाएं महिलाओं की बात सुनती हैं आदमी को तो अहमी भगा देती हैं कहते चुप हो जाओ तुम्हारे बस की कुछ नहीं है तुम्हारे तंत्र अकल ही नहीं है ऐसे कहकर उसे घर चलाना होता है इसलिए बेचारा चुप करके वो अपना काम पर निकल जाता है इसलिए महिलाएं महिलाओं को जागृत कर सकती है जागृत पुरुष अगर करेगा तो मुंह की खा जाएगा इसलिए हम कामयाब नहीं हो रहे क्योंकि तो हमारे पास महिला जो बल सकती है वो कम है इसका एक उदाहरण इस बात से है कि महिलाओं का जो संघ बना है उस संघ में काम नहीं हो रहा है महिलाएं जो प्रोफेशनल तरीके से काम करना भूल गई हैं जो पहले वो अपना प्रोफेशनल तरीके से काम किया करती थी जब वो कुल माता होती थी वो टेंडेंसी निकल गई उनके दिमाग से उनको इस गुलामी में या जो दे दिया उसी में संतुष्टि का क्योंकि उनको हजार तरह की फिल्में दिखाई जाती हैं महिलाएं तो बड़ी संतुष्ट होती हैं बासी बच्चा कुछा खा लेती हैं मिल गया तो खा लिया नहीं मिला तो कोई बात नहीं भूखी रह गई बेटे के लिए पति के लिए दादा के लिए परिवार के लिए मिल गया तो ठीक है पहन लिया नहीं तो कोई बात नहीं वो इस तरह की कहानियां उनके दिमाग में डाली गई हैं कि उनका सारा बल जाता रहा और वो अपने बल को याद नहीं कर रही कि वो कभी पूरा देश चलाया करती थी और बाबा साहब अम्बेडकर ने तो उनको देश चलाने का लिखित में डॉक्यूमेंट भी दे दिया जो संविधान है और उसी के तहत में महिला प्रधानमंत्री बनी तो वो बल उनको याद करना पड़ेगा और उस बल को याद करते हुए उनको अपने पास हमेशा एक पेन और एक डायरी रखनी चाहिए उस डायरी में उनको देखना चाहिए कि हमारे कौन कौन सी आसपास महिलाएं हैं क्योंकि तो महिलाओं को महिला जोड़ सकती है पुरुष नहीं जोड़ पाता अगर पुरुष जोड़ चुका होता तो अब तक काम हो गया होता पुरुष पुरुष को जोड़ ले वही भतेरा है वो महिलाओं को नहीं जोड़ पाता इसलिए महिलाओं को महिला जोड़नी पड़ेंगी तो हर एक महिला अपने पास एक डायरी एक पेन रखे और अपने अपने जिले में अपने अपने तहसील में अपने अपने गांव में जहां भी है वहां सक्रिय हो जाए औरों को सक्रिय करें क्योंकि तो महिलाओं का संघ जो बना है उसको खुद चलाना है उनको खुद प्रूव करना है कि हमारी संख्या अगर मर्दों के बराबर है तो हमारी संख्या मर्दों के बराबर दिखाई देनी चाहिए इसलिए वो अपने काम को शिद्दत से करना सीखें अगर अपने बच्चों को बचाना चाहती हैं और नहीं बचाना चाहती हैं तो एक मानसी तो डॉक्टर बन गई दूसरी मानसी डॉक्टर नहीं बनी हजारों मानसियां हैं जिनको डॉक्टर बनना है जिनको इंजीनियर बनना है जिनको बहुत बढ़िया बढ़िया जॉब करना है और सारी काबिल है ऐसा नहीं है कि एक ही काबिल काबिल है है सारी की सारी की हमारी उनके उनके पास पास मौके नहीं है, उनके पास नहीं कॉलेज सरकार कॉलेज नहीं खोलने वाली है सरकार तो कॉलेज बंद करेगी या प्राइवेट या प्राइवेट करेगी ऐसा ही हो रहा है तो सरकार कॉलेज खोलेगी नहीं और बच्चे हमारे काबिल हैं तो पढ़ाएगा कौन और पढ़ेगा कैसे इसके लिए सरकार से आपको कहना पड़ेगा कि और स्कूल खोलिए और कॉलेज खोलिए और मेडिकल कॉलेज खोलिए और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलिए इसके लिए आपको सरकार से कहना पड़ेगा कि आप फीस कम करिए हमारे फीस देना नहीं है इसके लिए आपको सरकार को कहना कहना पड़ेगा पड़ेगा कि कि हॉस्पिटल और खोलिए इसके लिए सरकार को आपको यूनिवर्सिटी और खोलिए हमारे बच्चे पीएचडी करके बहुत आ रहे हैं इसके लिए आपको सरकार को कहना पड़ेगा कि इंजीनियरिंग कॉलेज और इंजीनियरिंग का जो इंस्टीट्यूट है वो खोलिए सरकारी नो नौकरी खोलिए तो कहेगा कौन अगर आधी आबादी बैठी रहेगी आधा जनबल बैठा रहेगा तो आधा नहीं बैठा रहता है अगर एक महिला घर में बैठ जाती है तो उसके दो बच्चे साथ बैठ जाते हैं तो चार में से तीन हिस्से बैठ गए तो एक हिस्सा रह गया जो मर्दों का है इसलिए हम कामयाब नहीं हो पा रहे क्योंकि हमारे तीन हिस्से बेकार पड़े हुए हैं और एक हिस्से पर हम ताकत लगा रहे हैं और बाकी लोग क्यों कामयाब हैं पूरी दुनिया में तो क्योंकि उनके सारे हिस्से कामयाब हैं आप यूरोप को उठा लीजिए यूरोप के अंदर अगर आप यूरोप के पुराने हिस्से में जाएंगे तो आप यह पाएंगे कि यूरोप के अंदर मारा मारी हुआ करती थी आलू की फसल जो निकलती थी उस पर खूनम खान होता था कि तू आलू ज्यादा ले गया और मैं आलू ज्यादा ले गया भुखमरी की हालत रहती थी यूरोप के अंदर और यूरोप वालों ने जब काम करना शुरू किया और उनको समझ में आया कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए इकट्ठा होना चाहिए तब वो दुनिया में फैले उनकी महिलाएं काम नहीं करती थी हमारी महिलाएं काम करती थी उन्होंने अपनी महिलाओं को काम करना सिखा दिया उनकी महिलाएं बराबर काम करने लगी तो उनकी फोर्स डबल हो गई घर में आदमी भी काम कर रहा है औरत भी काम कर रही है तो देश डबल हो गया उनका और हमारा देश जो डबल था वो आधा कर दिया पहले हमारी महिलाएं सारा काम किया करती थी जब समर्ण संघ का नियम चलता था जब बुद्ध के नियम चलते थे जब बुद्ध से पहले समर्ण संघ के नियम नियम चलते थे तब तो महिला पुरुष बराबर होते थे तो महिला पुरुष सारे काम किया करते थे तो ताकत डबल थी अभी आधी हो गई और आधी होने का कारण मैंने कई बार बताया है क्योंकि जो बाहर से लोग आए वो महिला लेके नहीं आए महिला सारी यहीं की है इसलिए महिलाओं की कोई जाति नहीं होती और महिलाओं का कोई वर्ण भी नहीं होता महिलाओं से इसीलिए महिलाओं को गुलाम बनाया गया वरना कोई कारण नहीं था कि सारी महिलाएं गुलाम होती आप ध्यान दो कि भारत की सारी महिलाएं गुलाम हैं इसमें जितनी भी परंपरा है जितनी भी बेड़ियां हैं जितनी भी ये रीति रिवाज हैं वो सारी महिलाओं के लिए हैं क्या समण की हैं और क्या बमण की हैं इससे ये प्रूव होता है कि महिलाएं सारी भारत की हैं अगर सारी महिलाएं भारत की नहीं होती तो बमण के नियम जो महिलाओं में वो अलग होते और जो महिलाएं उनके नियम अलग होते हैं ऐसा है नहीं महिलाओं को सारे नियम एक सही है और वो सारे नियम यह है कि आपको अपने मर्द की गुलामी करनी है और गुलामी करने का संस्कार लगातार लगातार टीवी सीरियल जो लीलाएं हैं जो किताबें हैं पुरानी जो प्राचीन है जो कथाएं हैं जो घर घर में एजेंट आके सुनाता है वहां से हम मानसिक रूप से उनको गुलाम पाते हैं इसलिए इस काम को जितनी तेजी से आप सीख लेंगी कि हमारी जो मानसिक गुलामी है वो कहां से है तो आपको तोड़ना आ जाएगा और अगर मानसिक गुलामी आप तोड़ लें तो उस पर ना रुकें फिर आप औरों की मानसिक गुलामी तोड़ने का काम करें इसलिए एक डायरी और एक पेन रखें और इसको ऐसे काम करें जैसे अफसर करता है ऑफिस के अंदर एक एक चीज को ध्यान रखें कि कब मैंने कितना काम किया किससे बात हुई कैसे नहीं हुई क्योंकि समर्ण संघ में जो महिलाओं का है अगर उसमें हजार महिलाएं आती हैं तो वो पुरुष से ज्यादा होनी चाहिए तब कामयाबी होगी बाबा साहब ने ऐसा ही कहा है कि जिस समाज की महिलाएं ज्यादा जागृत होती हैं मैं उसको जागृत मानता हूं और ये सच बात भी है क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि महिलाएं हमारी पहले गुलाम नहीं थी अगर महिलाएं सारी जाग गई तो पुरुष यानी जो नर है वो तो अपने आप ही जाग जाएंगे फिर कोई भी उनको रोक नहीं सकता फिर भारत में समण जितने भी लोग हैं उनके अधिकारों को कोई नहीं रोक सकता हमारी तो सारी की सारी क्रांति यही रुकी पड़ी है इसलिए महिलाओं से निवेदन है कि तीन दिन में संतुष्ट ना हो अपनी संख्या बढ़ाएं अपना अधिकार पूरा लें और इसके लिए लड़ें और गुलामी जितनी हुई है उसका आनंद लेना बंद करें आजादी की तरफ आए ये पुरानी रीति रिवाज हमारी कोई नहीं है सारे के सारे बराबर हैं क्या नर और क्या नारी है क्योंकि बुद्ध ने जो कहा है वो कहा है पुरुष पुगल्ला पुरुष पुगल्ला का मतलब है कि दो पुरुषार्थ करते हैं उनका युग्म पुरुषार्थ का मतलब है जो मेहनत करते हैं पुरुषार्थ का मतलब पुरुष जो काम करता है उससे नहीं है पाली के अंदर पुरुषार्थ का मतलब है कि जो बहुत ज्यादा कोशिश करता है मेहनत के काम करने की जो चेतावनी वाला जो ऐसा काम होता है जिसमें चैलेंज होता है उस काम करने वाले की उसको पुरुषार्थ बोलते हैं और इस पुरुषार्थ में नर और नारी दोनों ही आते हैं दोनों के लिए ही पुरुषार्थ बोला गया है और पुरुष भी दोनों के लिए ही बोला गया है पाली के अंदर पुरुष का मतलब नर नहीं होता इसलिए पाली से सीखें बुद्ध से सीखें कि दोनों बराबर हैं और इसमें लग जाएं डायरी उठा लें पैर उठा लें जुड़ें और जुड़े और हमारा बेड़ा पार हो जाएगा और आपके दस बीस दिन है इससे संतुष्ट ना हो दिन आगे बढ़ाए तभी हमारी बात बनेगी धन्यवाद परिहार भाई साहब मैं कुछ कहना चाहूंगी हाँ बोले बोले मैं इनका भाई साहब ने जब कहा है तो पांच पंद्रह और पच्चीस तीन दिन और रख लीजिए चैटिंग चल रही है जैसे और ग्रुपों में चैटिंग चल रही है जो यस yes, मैम मेरा सुझाव ये है कि जो सैटरडे फिक्स की है शाम को पांच से छह जिसमें ज्यादातर हमारी बहनें आती हैं उसमें पहले स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ हमारी काफी अच्छी बढ़ाई जाए पचास से सौ अगर वहाँ स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो फिर ये मेन पोर्टल से और टाइम लिया जा सकता है मुझे थोड़ा बाबा साहब ने महिलाओं के बारे में क्या विचार थे तो वो थोड़ा बताना था और बाबा साहब बाबा दो मिनट कह रहे थे आप पांच मिनट बोले हाँ 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 जी सर जी सर तो बाबा साहब का अच्छा। बाबा साहब के मूवमेंट में जो पहला उन्नीस सौ में बाबा साहब ने जो आंदोलन चलाया था तो महाड़ में रत्नागिरी में तब महिलाओं को जो बाबा साहब ने कहा था कि आप पहले जो समाज में परिवर्तन लाना चाहते हो यो जो समाज के हर समस्या है वो उसमें जितना पुरुषों ने भाग लेना चाहिए उतना महिलाओं ने भी भाग लेना चाहिए क्योंकि ये दोनों की भी समस्या है जैसे कि आप घर चलाते हो तो समस्या कोई भी आए तो घर की समस्या जैसे दोनों मिलके निभाते हो सुलझाते हो वैसे ही समाज का भी प्रश्न दोनों ने मिलकर सुलझाना चाहिए ये बाबा साहब का विचार था और उन्होंने वहां पे ये भी कहा था कि महिलाओं ने हर एक आंदोलन में कोई छोटी मोटी परिषद रहे या छोटा मोटा चर्चा रहे तो सभी इसमें महिलाओं ने सक्रिय भाग लेना चाहिए ये बाबा साहब के विचार थे बाबा साहब ने बाबा साहब जब न्यूयॉर्क में थे 1913 में तो वहां से बाबा साहब ने रामजी जी के जो मित्र थे उनको पत्र लिखा था कि यहाँ पर मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है यहाँ पे मैं समानता देख रहा हूं माँ बाप है बच्चों को जन्म देते हैं कर्म नहीं देते ऐसा जो अपन सोचते हैं लेकिन माँ बाप का लड़कों में जो उसका विकास करना है उसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है इसलिए लड़कियों को लड़कों के बराबर पढ़ाना चाहिए उसको आ, आ, आगे लाना चाहिए ऐसे बाबा साहब एक पत्र में लिखते थे और बाबा साहब रामू को जब पत्र लिखे है लिखते हैं तो उसमें वो वो में भी उल्लेख करते हैं कि रामू मैंने जो स्त्री मुक्ति का वसा लिया है स्त्री को आजाद करने का समाज से रूढ़ी परंपरा से अंध अंद्रस, से गुलामी से वो मैं प्रतिज्ञा ली है तो मैं पूरा करूंगा मैं ये सिपाही हूँ एने ऐसे बाबा साहब के विचार थे बाबा साहब के आंदोलन में जब महिला है तो महिला आ, सभी आंदोलन में उसके बाद एने के सत्याग्रह के बाद महिलाएं नागपुर में भी जो पहली अखिल भारतीय परिषद हुई थी 1942 में तो महिला भी उस टाइम 25,000 महिला थी और उन्होंने बोला था कि ये समाज में यदि परिवर्तन लाना है तो महिला इस देश की समाज की पचास टक्के भागीदारी है तो महिला जब आगे आएगी तभी ये समाज परिवर्तन कोई भी सफल हो सकता है और जिस समाज में महिला की प्रगति हुई उस समाज का मोजमाप यदि करना है तो उस समाज की महिला की कितनी प्रगति हुई उस पर वो किया जाता है ऐसे बाबा साहब के विचार थे तभी से महिलाओं ने हरेक आंदोलन की हर एक परिषद की अध्यक्षता में भी महिलाओं का सक्रिय सहभाग था तब तो कोई साधन साधन नहीं थे अब अब मुझे कहना इतना ही है कि अब इतने साधन होने के बाद भी महिला आगे आती नहीं है क्या कारण है हमारा तो पहले स्त्री मुक्ति का समाज परिवर्तन का आंदोलन जो है तो बुद्ध से चला आ रहा है बुद्ध ने अपने समानता का हक महिलाओं को दिया क्ति की खरी आजादी है तब से चालू है और बुद्ध के हम पुत्र है बुद्ध के हम हैं उसके बाद में उन्नीसवी शताब्दी फुले जी ने सावित्री बाई ने पहला स्कूल खोला है पुना में तब से महिलाओं को यदि शिक्षित करना है समाज की कोई जड़ है तो महिला की गुलामी है तो उन्होंने उन्नीस सौ में पहला स्कूल खोला है मैं तो वो स्कूल में विजिट भी करके आई हूँ और उन्होंने उनकी जो आ, जो मूवमेंट है तो बीसवी शताब्दी ने बाबा साहब ने चलाए क्योंकि वो बुद्ध फूले को फूले जी को गुरु मानते थे बाबा साहब तो बाबा साहब बोलते थे कि इस देश का यदि हिस्स, हिस्सा महिला है तो महिला की उन्नति हुए बगैर इस देश का विकास कभी भी हो नहीं सकता महिला यदि आगे आए महिला यदि पढ़े बड़ी बड़ी पोस्ट पे यदि जाए महिला यदि अपने समाज की क्या अड़चन है वो समझे तो और जाने और दूसरी महिला का भी जो महापुरुषों के विचार पढ़ेगी तो दूसरी महिलाओं का प्रबोधन कर सकती है और समाज आगे बढ़ सकता है आपने जो समन संघ की स्थापना की उसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाओं ने आना चाहिए सहभागी होना चाहिए आज चर्चा सत्र हुआ परिषदा हुआ मेला हुआ आगे क्या आगे एने उसमें भी क्या चर्चा हुई पिछले बार तो वो भी एने, एने गेट टुगेदर उसके बाद में आ, क्या रूपरेषा है तो वो भी एने चर्चा होना चाहिए आज हम देखते हैं गाँव गाँव में क्योंकि मैं अधिकारी थी तो गाँव गाँव में जाते थे आज भी महापुरुषों के विचार और बाबा साहब के विचार फुले जी के बुद्ध के और जितने भी हमारे पेरियार रामास्वामी जी उनके विचार कांशीराम जी के विचार महिलाओं तक खेड़े की महिलाओं तक पहुंची नहीं क्योंकि हम अभी जो सुशिक्षित महिला है तो ऐसे दो गट पड़ गए कि सुशिक्षित अशिक्षित गरीब ज्यादा इन्हें श्रीमंत खेड़े पे रहने वाला शहर में रहने वाला ऐसी महिलाओं की अभी गुट में बटे है तो कैसा है ने हमारा समन संघ जो है संस्कृति है बुद्ध से चली आ बढ़ेगी तो बाबा साहब के जो विचार थे बाबा साहब ने तो हर एक महिला का उद्धार करने का सोचा ऐसा नहीं कि दलित ही महिला है, है, है। बाबा साहब ने ये कभी नहीं सोचा और ये बाबा साहब फुले जी के हम अनुयायी होने के नाते हम बहुजन महिला महिला या इतर उच्च वर्णीय महिलाओं को भी हम अपने महापुरुष के विचार Uh, उनके पास में जाकर बताना चाहिए ये हमारी सुशिक्षित महिला जो है उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि हम हमारे लेज नहीं है हमारे लिए ही नहीं है क्योंकि हम तो अंदर श्रद्धा से बाबा साहब ने छप्पन में दीक्षा दे तो हम बाहर आए बाबा साहब के विचार हमने पढ़े फुले जी के विचार पढ़े पढ़े उनके ऊपर हम चलने का सोच रहे हम अंध श्रद्धा नहीं मानते हैं लेकिन बाकी की जो बहुजन समाज की महिला है बाकी उच्च वर्णीय महिला है तो विद्या की जो देवता हमको पढ़ाए जा रहे है सरस्वती तो उन्होंने क्या किया वो कौन से स्कूल में पढ़े तो उनका महिलाओं वो महिलाओं का प्रबोधन करना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है ऐसा मुझे लगता है तो बाबा साहब ने महिलाओं को बोला है कि महिलाओं को उन्होंने संविधान के माध्यम से या हिंदू कोड के, के माध्यम से जो हक अधिकार दिए हैं मुहूर्तमेट तो हमने फुले जी ने रखे है तो उनके ऊपर जो बड़ा है ने आ, क्या बोलते हैं मराठी में तो मुहूर्त में यदि फुले जी ने रखी है तो बाबा साहब ने उसके ऊपर वो चढ़ाया है तो हम बाबा साहब की पुत्री है बाबा साहब के विचारों को मानने वाले हैं तो उस वजह से कि हक अधिकार रूढ़ी परंपरा से बाहर निकलने का जो महिला हर एक क्षेत्र में आज दिख रही है तो बाहर निकलने का जो उनको बाबा साहब ने बताया तो ये हमारे महिला का प्रबोधन करके बताया तो हमारी भी जो जिम्मेदारी है कि हम इतर महिला को समझा के उनको भी बाहर निकाले और ये महिला जो हमारी गरीब महिला है जो खेड़े पे रहती है उनका भी हम प्रबोधन करें उन, उनको भी हम साथ में लाए तभी हमारा ये बहुत बड़ा नेटवर्क समन संका बढ़ सकता है और महिला तो है कोई भी इसमें कम नहीं है उल उलट मेरा कहना है कि महिला पुरुष से ज्यादा शक्तिमान है वो दुर्बल नहीं है लेकिन थोड़ी जागृति आना चाहिए उनमें यदि जागृत हो गई यदि सजग हो गई तो कोई भी हालत में वो पीछे नहीं हटती ऐसा मेरा मानना है तो मुझे धन्यवाद और दो शब्द कहने का मौका दिया है नमो बुद्धाय जय जी मैडम जी जय जय भीम नमो बुद्धाय मंच पर सभी विद्वान जन को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय मैं सुमन कुमारी इस जो स्मरण जो महिला जो गोष्ठी इस समय हो रही है उसमें मैं अभी पहली बार आज जुड़ी हूँ दिल्ली से हूं मैं और आर के बोस जी द्वारा मुझे जोड़ा गया है आ, विचार सुने आप सभी के बहुत ही बढ़िया और इसी विषय पे मैं थोड़ा कुछ कहना चाहती हूँ कि महिला की बात हो रही है महिला शक्ति की बात हो रही है और जैसे कि हम सब जानते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात को स्पष्ट करना चाहूंगी कि एक समय एक व्यापारी कुछ ईटो तो ऊटो को लेकर रेगिस्तान से गुजर रहा था रेगिस्तान में जाते समय अः रात्रि हुई और जो है ऊँटों को बांधने की बारी आई तो ऊटो को जब बांधने की बारी आई तो जब वो बांधने लगे उसके जो उटो को नौकर थे को तो वो ऊट जो है खड़े रहे वो बैठ नहीं रहे थे और वो जो है बांधे कैसे तो अब व्यापारी से पूछा गया कि ये ऊट तो बैठ नहीं रहे उनको कैसे किया जाए आ, ये खड़े ही हैं बहुत देर से बैठ नहीं रहे हैं क्या कारण है तो व्यापारी समझ गया बोला कि इनको बैठाने का एक ही तरीका कि इनको प्रतिदिन फुटे से बांधा जाता है लेकिन आज क्योंकि खुटा इनका नहीं है तो इसलिए ये इस जो है बैठ नहीं बैठेंगे क्योंकि इनको आदत बनी हुई है खूटे की तो तुम लोग एक काम करो कि झूठ मूठ का तुम लोग हथौड़ा लो और हथौड़े से वार करो लोहे पर तो टक टक की जब आवाज आएगी तो ये स्पष्ट होगा तो इनको लगेगा कि इनका खूटा गाला जा रहा है और ये बैठ जाएंगे उन लोगों ने यही किया लो हथौड़ा लेकर लोहे पर मारा तो जो टन टन की आवाज आई तो ऊंटो का भास हुआ कि खूंटा गाला जा रहा है और वो बैठ गए प्रातः काल भी जब उनको उठाने की बारी आई तो फिर उसी तरह किया गया कि वो उठ ही नहीं रहे हैं तो फिर वो लेकर और बार किया गया लोहे पे तो तो जब वो टक टक की आवाज़ आई तो उसको सुनकर वो उठ खड़े हुए तो मेरा जो इस कहानी का उद्देश्य मेरा ये है कि ठीक हमारी स्थिति समाज की यही बनी हुई है ब्राह्मण समाज उस पाखंड को उसने इतना हमारे बीच में पहुंचा दिया है कि हमारा बहुजन समाज उससे निकल ही नहीं पा रहा है। उसको यही अभास होता है कि मैं इस फूटे से ऐसा बन गया जो फूटा अंधविश्वास का वो हमारी जड़ों में ऐसा घुसा दिया गया है पाखंड का धर्म का जात पात का कि हम निकल नहीं पा रहे हैं तो आवश्यकता है हमें उस फूटे को उखाड़ फेंकने की जो ब्राह्मणवाद रूपी उल्टा उल्टा गढ़ता है धर्म रूपी कर्म कांड रूपी उसको उखाड़ फेंकने की और ये तभी संभव है ने, ने, जब समाज की हर घर की महिला इस कार्य को करेगी आज हम जिस तरह हम समझ रहे हैं बाबा साहब मैं बौद्ध धर्म का पठन करती हूँ और बौद्ध धर्म में कभी भी पाखंड को स्थान नहीं दिया गया है तथागत ने कभी भी किसी प्रकार के पाखंड को स्थान नहीं दिया स्त्री पुरुष एक साथ जो है बैठकर बोध की गोष्टीयां जोती थी उसमें भी स्त्री पुरुष एक साथ बैठकर कार्य करते थे तो लेकिन आज मेरी बहनें जो है उस पाखंड को पकड़कर प्रत्येक तीज हिंदुओं के तीज त्योहार को मनाती हैं और जो है उससे जुड़ी हुई है उसके खूंटे को पकड़कर बैठी हैं तो हम सबको जागृत होना है अपने घर में जो वो कर्म कांड रूपी जो अधर्म रूपी जिससे मैं कहूंगी कि जो अंधविश्वास रूपी जो फूटा उसको उखाड़ फेंकना है अपने घर से उस मूर्तियों को देवी दे, जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां उनको उखाड़ फेंके और तथागत बुद्ध और बाबा साहब की मूर्ति को पहले स्थापित करें क्योंकि ये काम तभी संभव है जब घर की महिला शुरुआत करेगी कई बार क्या होता है कि पुरुष बोलता रहता लेकिन है लेकिन महिलाएं इतनी उससे जुड़ी हुई रहती हैं उस अंधविश्वास से कि नहीं हमारा हित हो जाएगा अगर हम अब उस कार्य को नहीं करेंगे उस पूजा को नहीं करेंगे जैसे कि अभी गुस्सा स्त्री के प्रारंभ में ही बताया गया कि मेरे ही घर में जो है उन्होंने बताया बहन ने कि किस तरह से जो वो कर्म कांड अभी जो मकर संक्रांति हुआ या ये बसंत पंचमी आता है जो जितने भी त्योहार हैं तो घर की अगर एक महिला नहीं मनाती है तो समाज के अन्य स्त्रियां उसको लताड़ने लग जाती हैं तो हमें उसकी परवाह नहीं करनी है सबसे पहले अपने अंदर से अंधविश्वास को हटाना होगा और मैं बड़े से कि ना से कहती हूँ सिंदूर लगाती हूँ ना जो है पैर में बिछिया पहनती हूँ मैं मैं कुछ नहीं करती हूँ ना ही चूड़ी मैं पहनती हूँ तो हमें इस नियम को अपनाना होगा कि हमें ना जो है पाखंड को हटाकर अपने जीवन को सादगी तो से भरते हुए बाबा साहब के तो तो बाबा साहब ने हमें 22 बच्चन दिए उसको हमें ग्रहण करना होगा और तब हमें लगेगा कि हम वाक्य में हम जो है अपने बहुजन समाज या बाबा साहब द्वारा बताए गए रास्ते पर हम चल पा रहे हैं दूसरी बात जैसे कि मैं ये जो वी द पीपल का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही खूबसूरत है जिस प्रकार मैं भी इसमें भी एक उदाहरण देना चाहूंगी कि हम सब जानते हैं जैसे कि साइबेरिया पक्षी आते हैं आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से वह समुद्र को क्रॉस करके प्रति वर्ष हमारे देश में साइबेरिया पक्षी आते हैं और उनकी एक पहचान होती है कि वो वी आकार सुन लो क्या बात है उनका एक ग्रुप होता है साइबेरिया पक्षी का कि वो एक बी आकार बनाकर उड़ते हैं उनका एक समूह होता है अगर वो अगर आकाश में आप देखना चाहते हैं जो प्रवासी पक्षी है कोई भी प्रवास तो जब वो उड़ उड़ान भरते हैं तो उनका वी आकार होता है और वो उसी आकार में उड़ते हुए एक देश से दूसरे देश में पहुंचते हैं अगर उनका समूह बिगड़ जाता है उसमें से एक भी पक्षी दूसरे डायरेक्शन में जाता है, तो समूह बिगड़ जाता है और वो जो है बिखर जाते हैं ठीक हमारी यही स्थिति है कि हमने अपने समूह को हम नहीं संभाल पा रहे हैं तो आवश्यकता है हम सबको एकजुट होने की और विध पीपल के अंतर्गत हम सबको संगठित होने की और बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो संघर्ष करो आंदोलित करो इस मिशन को आगे बढ़ाने की तो ये तभी संभव होगा जब हम जो विभिन्न भी प्रकार से जो जातों में बांट दिया गया है ये चमार है ये एस टी है ये ओबीसी जो भी जिस तरह के बांटे गए हैं जिस तरह हम कहते हैं हिंदू धर्म के अनुसार देखे तो चौतीस करोड़ प्रकार के जो है जातियों में खंडित कर दिया गया है शोट तो करें, करें बहुत अभी इंट्रोडक्शन काफी है जी सर ओके <laughs> जी ठीक है इंट्रोडक्शन लग जाएंगे सुबह हो जाएगी जी 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 तो ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आपने अवसर दिया और था था। इसी के साथ मैं पुनः जुड़ूंगी तो जरूर हम अपनी बात रखेंगे देखे देखे। सभी का आभार बहुत बहुत धन्यवाद थैंक थैंक यू यू आपने बहुत स्वागत है नमो बुद्धा जय भी मैडम प्लीज अपना परिचय दीजिएगा मैं टाइम जुड़े हैं आप हमेशा जरूर मैडम अच्छा ठीक है मैडम महीने की तारीख तारीख को महिला विशेष होती है तो कम से कम उसमें तो आप लोग जरूर जुड़िए ठीक है, अच्छा। है मैडम जरूर जुड़े जी और नौ बजे हमारा कंसेप्ट होता है जी रोज होता है वैसे तो लेकिन दस बीस तीस तारीख को आप जुड़ा करें महिला विशेष होती है तो उसमें आप कंसेप्ट को जरूर सुने जी मैडम नंबर बोल दीजिए या चैट बॉक्स में डाल दीजिए जी जी जरूर। और जो हमारा मेन उद्देश्य है नौ बजे क्लियर होता है कंसेप्ट थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी आज बड़ा अच्छा लग रहा है इतने सभी महानुभाव और जो तो महिलाएं हैं वो इतने अच्छे से अपना परिचय दे रही हैं और इतनी जागरूक हैं मुझे मैं बहुत देर से सुन रही थी मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा पहले मैं अपना परिचय दे देती हूँ मैं डॉक्टर सीमा प्रकाश हूँ मैं कंसल्टेंट हूँ गायनी गायनी एंड ऑक्सीटिशन एट यूसीएमएस एंड जीटीबी हॉस्पिटल दिल्ली गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल दिल्ली में मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ कंसल्टेंट की पोस्ट पे हूँ और मैं वहाँ पे स्टाफ फिजिशियन भी हूँ मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह मैं ही करती हूँ बाकी आ, इनमें से मैं नाम बोल रही हूँ जो लोग अवेलेबल हैं प्लीज अपना परिचय दीजिए आके मालती देवी लुधियाना से मीरा रानी जी नीलम गौतम निशा जी जी मैम जी कैसे हैं आप मैं ठीक हूँ आप सुनाइए जी जी बढ़िया पहली बार जुड़ रहे हैं नहीं मैम मैं पंद्रह बीस बीस दिन से जुड़ी हुई हूँ और कंटिन्यू आपकी ये सुनती हूँ जो मीटिंग को अटेंड करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब चीज सुन करके सभी की जो आज मेरी बहनों ने इतना अच्छा बोला है और बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाती हैं बोल बोलने के लिए जिस हिसाब से हमारा समाज बहुत पीछे है तो मुझे लगता है कि अब हमारे समाज में बहुत बदलाव आ रहा है मैंने अपना माइक ओपन कीजिए माइक माइक ओपन कीजिए इस तीस तारीख हाँ को महिला विशेष तारीख है और कंसेप्ट नौ बजे होता है आप जरूर उसको सुना करें और हाँ भी हाँ अपने जैसी महिलाओं को प्लीज जोड़ें इसमें संग में हां जी जी, जी।, जी। अभी सारिका जी कह रही थी जो सारिका जी बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल राइट है पहली बात तो हम खुद ही आजाद नहीं होना चाहते और अगर हम आजाद होना चाहते हैं तो जो हमारा जो परिवेश है मायका हो ससुराल हो जो हमारे पुरुष प्रधान समाज से जैसे उन्होंने भी उसी कुएं का पानी पिया है जो सदियों से पीते आ रहे हैं यही पितरतात्मक जो सोच का तो सभी का यही हाल है मैं अपनी ही बताती हूँ मैं दूसरों की नहीं कह रही अभी फिलहाल मैं भी थोड़ा सा भी इन चीजों से बाहर निकली हूँ क्योंकि हमारे पुरुष ही दरवाजे पे जैसे हमारे हरियाणवी बोलते लठ लेके बैठे हुए हैं तो इस सोच को थोड़ा सा आगे बढ़ा बढ़ाते हुए मैंने खुद पिछले बीस साल से जैसे अभी मैडम बोल रही थी पायल बिछुए मैंने सब छोड़ दिया है और मैंने और तो और मैंने अपना जो इनका जो सरनेम है मैंने वो हटा के अपना बर्थ प्लेस का सरनेम लगा रखा है जो गोरिया है ये मेरी जन्मभूमि है ना कि मेरा सरनेम ना इनका ना मेरा क्योंकि मेरा सरनेम जिनागर है और इनका खिच्ची है तो मैं बीच में ना फंस के तो हम महिलाएं जैसे कोई भी सेलिब्रिटी है या कुछ भी है वो जैसे ही महिला की शादी लेडीज की शादी होती है लड़की की किसी भी से, सेलिब्रिटी हो या कॉमन हो तो वो उसका सरनेम लगाती है क्यों भाई हमारी अपनी इंडिविजुअल पहचान नहीं है भाई मैं एक इंडिविजुअल कोई भी है एक इंडिविजुअल पर्सन है तो उसकी अपनी पहचान क्यों नहीं है हम क्यों उसके पीछे उसकी पूछ के पीछे बोझ मरने लग रहे हैं तो जब तक हम अपने अंदर ये सोच पैदा नहीं करेंगे तब तो तक हमारा कुछ नहीं हो सकता और हम बोलते, बोलते रह जाएंगे अपने आप में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा इन सब चीजों का आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धमकी की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है आपको छूट है ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं आप अपने फेसबुक पे अपने पेज पे अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएँ क्योंकि धम्म सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूंजी आपकी है धन्यवाद रेण गच्छामि